हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की शुरू में हम बात करेंगे टॉप 5 क्वेश्चन जो कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर से जो है इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को टीला से देखिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको एटलीस्ट कुछ कॉमन से बेसिक से क्वेश्चन जो है आपको उसकी जो है नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बिल्डिंग जो मेटल होता है, ब्रिक एक इम्पोर्टेंट जो है मेन मेटल है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो वो जो ब्रिक का जो साइज है वो आपको बिल्कुल वर्बली याद होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज है जो मतलब कि जो इंडिया में, तो उसका जो साइज होता है ब्रिक का वो होता है 190 mm, 90 mm और 90 mm, ठीक है। तो 190 जो इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ जो है वो 90 है और इसकी जो हाइट जो है मतलब थिकनेस बोल लीजिए तो वो जो आपकी 90 mm, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो होता है कि जो इसके बीच में जो फ्रॉग होता है, ठीक है, ये जो बीच में आपका ये जो है ना, ये जो जिसमें मार्का होता है कंपनी का, तो इसको बोलते हैं हम फ्रॉग। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भी जो बीच में जिसपे नाम लिखा होता है वो क्या कहते हैं। याद रखिए, इसको हम फ्रॉग बोलते हैं। और इसका फ्रॉग का जो साइज होता है वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो फ्रॉग है वो फ्रॉग का साइज क्या होता है। तो फ्रॉग का जो साइज होता है वो होता है 100 mm, ठीक है, 40 mm, 40 mm इसकी चौड़ाई, 100 mm लंबाई, 40 mm इसकी चौड़ाई, और जो है डेप्थ जो होती है इसकी गहराई जो होती है वो 10 से 20 mm होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसके बाद कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भी ये जो है फ्रॉग, ये इसमें ब्रिक में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भाई इसका क्या महत्व है ब्रिक में। तो दोस्तों, जब भी मैं आपको बता दूँ, जो आपका मोर्टार होता है, ठीक है, ये इसका टॉप व्यू है। तो जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, इसमें जैसे ABC जो भी है कंपनी मार्का जो भी है, ठीक है, तो ब्रिक जो लेइंग होती है इसी तरीके से होती है, ठीक है। जो आपका मोर्टार होता है वो मोर्टार इसमें जब आएगा, आपका जो फिलिंग होगी इसमें, और दूसरी जो ईट है इसके ऊपर रखी जाएगी, इसके ऊपर जस्ट ऊपर, ठीक है, तो इसकी जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो बॉन्डिंग जो है अच्छे से बनेगी, ठीक है। अगर आपका ये जो है फ्रॉग नहीं हो तो जस्ट क्या है, सेम आपकी जो जैसे बिल्कुल प्लेन जो सरफेस वाली जो ब्रिक होती है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे होगा तो क्या है, वो उसकी जो बॉन्डिंग होती है ब्रिक की, जो स्ट्रेंथ होती है वाल की, जो स्ट्रेंथ होती है उतनी नहीं होगी। तो इसका जो है ये जो वाल को जैसे आपकी जो भी एक एक मतलब कि एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक का जो है बॉन्ड बनाने में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो अगर नहीं होगा तो जो वाल इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, ठीक है। अगर सेम आपकी जो दो ईटें ऐसी रखी जाए, एक के ऊपर एक रखी जाए, और उसमें आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना, और एक फ्रॉग वाली मसाला डाल के रखना, तो अगर आप जो है वो ज़्यादा फोर्स जो है झेल नहीं पाएगी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी वाल में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों वो है जो आपका स्ट्रिप होता है, जैसे आपका ये स्ट्रिप है, ठीक है, आपका स्ट्रिप में जो हुक लेंथ होती है, ठीक है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो हुक लेंथ है ये क्या होता है, कितनी होती है साइज, मतलब जो उसकी साइज या लेंथ जो है वो कितनी होती है। तो बगैर आँख मिच के आप बोल देना 10D। 10D का मतलब आपका जितनी भी mm का जो आपका स्टील बार है, ठीक है, उसका 10 गुना। मान लीजिए सपोज आपका जो है ये 10 mm का आपका स्ट्रिप में लगा हुआ है, 10 mm का रिंग में लगा हुआ है, ठीक है, तो 10 × 10 आपका जो ये जो हुक रहेगा इसकी जो लेंथ रहेगी वो आपकी 100 mm रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका, जो आपका कॉलम हुआ या फिर आपका बीम हुआ, ठीक है, उसमें जो हम स्ट्रिप जो लगाते हैं, तो उसमें ये भी है कि भी आपका जो स्टीरअप होता है वो एक ही साइड हमें रखना है या अल्टरनेट रखना है। तो इसका जो होता है दोस्तों, वो आपका कॉलम हो या फिर आपका बीम हो, तो जो इसका ये जो फेस होता है दोस्तों, एक ये फेस, ये तो एक तो इधर रहेगा और एक इधर रहेगा, 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 ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी एक साइड ये जो इसके फेस है एक साइड नहीं रखेंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है पूछी जाती है इंटरव्यू में, ठीक है। तो और जो आपका स्टील बार होता है, ठीक है, स्टील बार जो है उसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है दोस्तों, वो हमें पता होनी चाहिए, वो 12 मीटर का जो है सरिया हमें मिलता है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो इसकी लेंथ आती है वो 12 मीटर होती है, ठीक है। और अगर इसका वेट की बात करें तो जो सरिये का जो वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको बिल्कुल वर्बली याद होना चाहिए कि D² / 162 × लेंथ, ठीक है। अगर हमें 1 मीटर का निकालना है, ठीक है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं D², मतलब जैसे हमारा 8 mm का सरिया है तो 8 × 8 × हमारी लेंथ जो है 1 मीटर। आपकी लेंथ जैसे 12 मीटर का 12 आ जाएगा, ठीक है, अभी मैं एक का बता रहा हूँ, तो एक का आपको पता है इतना
12 कर दोगे तो वो आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो आप इसको इजीली जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 0.395 × 12 आपको ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्या है, ये तो आपका हो गया मीटर का, ये आपका मीटर, ठीक है। और अगर आपको फिट में निकालना है तो डी स्केयर 533 × लेंथ, ठीक है। डी स्केयर वही आपका जो डायमीटर, जितने में डायमीटर का जो आपका बार है, जैसे हमने 8 का यूज किया है तो 533, ठीक है। 8 × 8 अपॉन 533 आपको करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, 0. आपका 0.120 × 39.36, ठीक है। आपको ये 4.27 kg आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये कुछ टॉप 5 क्वेश्चन थे जो कि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर को इंटरव्यू में जाने से पहले, मतलब कि इनका जो नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।